してこう。あのまんじゅうのよ、しかも畑さん。And because of that reason, Ram ji काफी disappointed हुए थे, तो उन्होंने हनुमान जी को ये कहा था कि तूने आज के दिन ऐसा किया है ना, तो ये दिन तू ही रख ले। आप अभी इतने छोटे हैं, आप अभी पढ़ाई कर रहे होंगे, किस क्लास में? मैं 8th में। 8th में हैं आप, तो 8th में हैं आप, ये बताइए क्या ये पढ़े लिखे होने की चिन्हासी होती है? आप भगवान राम को मानते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर कोई हिंदू है तो क्या उस वो भगवान राम पे गलत टिप्पणी करे, आप उसे कैसे दें? मैं उसको बिल्कुल हिंदू नहीं मानूंगा, क्योंकि एक हिंदू वही हो सकता है जो राम की इज्जत करे, जो हमारे प्रभु को पूजे, और जो इंसान ये नहीं करता है, उनके बारे में अपशब्द बोलता है, वो कभी एक हिंदू नहीं हो सकता। मैं उसे इंसान भी कंसीडर नहीं करूंगा। यानी जिस व्यक्ति ने इस तरह की टिप्पणी की, आप उसे इंसान भी कंसीडर नहीं? नहीं, मतलब देखिए आप कि ये मात्र इतना छोटा सा बच्चा है, क्लास 8 का बच्चा है, और 8वीं कक्षा में होते हुए इसने कितनी बड़ी बात कही है कि आप हिंदू हैं, भगवान राम पर इस तरह की अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, माता सीता पर इस तरह की टिप्पणी करना, बजरंगबली पर टिप्पणी करना, इस बच्चे का ने कितनी बड़ी बात कही है कि वो उसे व्यक्ति नहीं मानता, इंसान नहीं मानता, जो अपने ही धर्म के ईश्वर पर उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं। कभी भी किसी मुस्लिम से, क्रिश्चियन से पूछेंगे उसके धर्म के बारे में, वो आपको बिल्कुल सही सही बता देगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो देखी, उसमें एक आदमी से पूछा गया कि राम जी कब पैदा हुए, उनके माता पिता का नाम क्या, उनके भाइयों का नाम, तो उसे पता ही नहीं था। एक मुस्लिम कभी अल्लाह को गलत नहीं बोल सकता, लेकिन एक हिंदू राम को गलत बोल सकता है। तो आप देख लीजिए कि कैसे अपने धर्म को पोर्ट्रे किया जाता है। मतलब भगवान, हम सनातन धर्म से होते हुए भी ईश्वर पे, अपने ही ईश्वर पे सवाल उठा रहे हैं। कुछ ऐसे हिंदू हैं जिन्हें मैं वैसे भी हिंदू नहीं मानता, वो अपने ही धर्मों पे सवाल उठा रहे हैं, अपने ही ग्रंथों पे सवाल उठा रहे हैं। कोई भी मुस्लिम हो, वो कभी भी अपने अल्लाह पे, कभी वो मार देगा लेकिन वो कभी अपने अल्लाह पे सवाल नहीं उठने देगा, और एक हिंदू खुद ही सवाल उठा। आपने इतनी बड़ी बात कही, ये बताइए कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आती है, आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को, है ना, तो ये बताइए कि क्या आप इन लोगों को पढ़ा लिखा, मॉडर्नाइज्ड कहेंगे? पढ़े लिखे की कोई बात नहीं है, एक अनपढ़ आदमी भी जो है, अगर उसमें दिमाग है तो वो तब भी भगवान की भक्ति कर सकता है। पढ़े लिखे होने से ये मतलब नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं, आपको सब आता है। कुछ ऐसे लोग भी देखें, आप पढ़े लिखे सीरियल किलर भी होते हैं, पढ़े लिखे लोग सीरियल किलर भी होते हैं। तो पढ़ाई की बात नहीं है, पढ़ाई से सिविलाइजेशन नहीं आती है, सिविलाइजेशन आती है हमारे एक्शन से, हमारे कर्म से, हम क्या कर्म करते हैं। हमारे कर्म ही हमारा सब, हमारे पूरे चरित्र के, हमारे सब के बारे में बताते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। मतलब आप देखिए कि एक छोटा सा बच्चा है, आपकी उम्र क्या है बेटा? 13 साल। 13 साल का बच्चा, और कितनी बड़ी बात इसने उन सभी लोगों के लिए कही है जो ईश्वर पर सवाल उठाते हैं। इनको लगता है कि पढ़ लेने से हम एजुकेटेड हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो हमें हर चीज़ का लाइसेंस है, हम भगवान राम पर कुछ भी अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं।